हाय गाइस, आरएनए फाइव रैली पे मैं अभी सीडीएम डिपॉजिट कैसे रिक्वेस्ट कैसे लगाना उसका प्रोसीजर आपको न्यू वीडियो में आपको जानकारी देंगे। वो भी मोबाइल वर्जन से, मोबाइल से कैसे रिक्वेस्ट लगाएंगे उसका आपको वीडियो में बताएंगे। अभी वीडियो देखिए। मेरा नाम है विश्वजीत, मेरा चैनल का नाम है विश्व। कर दीजिए सब्सक्राइब भी कर दीजिए, घंटी भी दबा दीजिए, कोई वीडियो डाले तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। अभी वीडियो चालू कर रहा हूँ, अब देखिए कैसा आपको मोबाइल वर्जन में मोबाइल से कैसे रिक्वेस्ट लगाना है अरेना फाइव रैली पे में। अभी देखिए अरेना फाइव में एटीएम में डिपॉजिट करके आके उसका स्लिप को रिक्वेस्ट लगाना कैसे लगाते उसका प्रोसीजर बताएंगे। अभी पासवर्ड देखिए, लॉगिन कर ले रहा हूँ। लॉगिन करके आपको बता रहा हूँ। अभी लॉगिन कर लिए। लॉगिन करने के बाद आपको रिक्वेस्ट फंड रिक्वेस्ट पे जाना है। अभी फंड रिक्वेस्ट ये है, अभी फंड रिक्वेस्ट पे जाके अभी रिक्वेस्ट लगाना है। आप किस में डिपॉजिट करके आया, जैसा मैं सीडीएम में डिपॉजिट करके आया। अभी ये स्लिप को अपलोड करना, कौन सा बैंक के करके आए पहले सिलेक्ट कर लेना। बैंक यहाँ पे है क्या नहीं है, इसका बैंक कभी कभी निकाल देता है इन लोगा। अभी जैसा मेरा अकाउंट नंबर है 1328, देखिए नहीं है मैं अकाउंट पे जो डिपॉजिट करके आया 1328 नहीं है यहाँ पे। कल जब रात पे मैं डिपॉजिट करके आया, यहाँ पे अकाउंट था, मैं देख के डिपॉजिट करा पैसे। अभी इसके अंदर नहीं है। अभी क्या करना, एकदम लास्ट पे चला जाना। ये जो लास्ट पे ऑप्शन है यहाँ पे अमाउंट देना, अमाउंट कितना है 45। उसका रिसीव नंबर देना, रिसीव नंबर है 9058। उससे बाद आपको यहाँ पे क्या करना, आपका जो अकाउंट में डिपॉजिट करके आया उसका अकाउंट नंबर देना। अभी अकाउंट नंबर दे रहा हूँ, ये अकाउंट नंबर दे दिए, ये अकाउंट में जमा करके आया था 1000501000501050 5501 यहाँ पे दे दिए। उससे बाद आपको एटीएम आईडी देना। अब यहाँ पे एटीएम आईडी लिखना, एटीएम आईडी, आईडी एटीएम आईडी बोल के एकदम ऊपर रहता, एटीएम आईडी दे देना। एटीएम आईडी दे दिया, आपको स्लिप को अपलोड करना। इसके अंदर क्या करना, स्लिप को फ़ोटो खींच के इसके अंदर डाल देना। अब कैमरा से मैं खींच ले रहा हूँ फ़ोटो,
फोटो ले लिए। अब इसको फोटो को कर दिए। देखिए क्या क्या करा, पहले अमाउंट डाल दिए, उसके बाद रिसीव नंबर डाल दिए, उसके अंदर अकाउंट नंबर दे दिए, उसके बाद एटीएम आईडी दे दिए। अभी देने के बाद स्लिप अपलोड कर दिए, उसके बाद सक्सेस हो गया। अभी 10-15 मिनट में पैसे आ जाता। इससे पहले भी मेरा 2-4 बार हो गया ऐसा, तो अकाउंट नंबर देख के डाल गया होता हूँ, उसके बाद वो अकाउंट में नंबर ही हटा देते हैं रिक्वेस्ट लगाने का। तो ऐसा करके मैं लगा दिया, इससे पहले भी 2-3 बार हो गया तो मेरे पास पैसे आ गया। तो वही जानकारी देना था। RNFI LLP में डिपॉजिट करके आके ऐसा रिक्वेस्ट लगाना पड़ता। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तानों से, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। कोई वीडियो डाले तो आपको नोटिफिकेशन आते रहते, घंटी भी बजा दीजिए। कोई वीडियो डाले तो आपको फौरन मिलता। शुक्रिया। RNFI LLP में अभी जो वीडियो आपको बताया, अभी ऐसा करके बैंक में डिपॉजिट करके आके आप रिक्वेस्ट लगा सकते हैं। लगाए तो आपको 10-15 मिनट रिटेलर आईडी है इसका अंदर आ जाते। कभी भी इनका ऑफिस का जो टाइम है रात को 12 ऑफिस का टाइम है रात को 12 बजे का पहले में आपको लगाना पड़ता डिपॉजिट। अभी डिपॉजिट ऐसा करके अभी डिपॉजिट करके आके वो RNFI LLP में उसका अकाउंट पे आप डिपॉजिट करके आ जाओ, कभी भी करके आ सकते। अभी करके आने के बाद आप ये रिक्वेस्ट लगा दिए तो आपको 5-10 मिनट में आपको अकाउंट पे पैसे RNFI LLP में दे देते। अभी मैं रिटेलर आईडी, डिस्ट्रीब्यूटर आईडी प्रोवाइड करता हूँ, किसको भी होना है तो हमारे नंबर पे कॉल करिए RNFI का आईडी के लिए। अभी शुक्रिया। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, घंटी भी दबा दीजिए। कोई वीडियो डाला तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।